एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये कि देखो अब कॉन्सेप्चुअली ना हमारा पूरा चैप्टर एंड हो गया। अब आगे जो हमने क्वेश्चंस करे ये बेसिकली आपके उस कॉन्सेप्ट से हैं जो कि आपका क्वाड्रेटिक्स और लीनियर इक्वेशन को मिला के आता है। ठीक है, ये टॉपिक वैसे तो IGCSE में ज्यादा आता है। ठीक है, वो लेवल मैंने इसका अब तक क्वेश्चन नहीं देखा है तो इस वजह से मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि ये वो लेवल का भी है। लेकिन अगर तो तुम IGCSE के हो तो आगे कंटिन्यू करो अभी इस लेक्चर को लेना। सेकंड, अगर ए लेवल्स में मैथ्स लेने का प्लान है तो भी देखो, और अगर ओ लेवल्स के हो तो मतलब कोई वो नहीं है कि क्लास लो, लेनी है ले सकते हो, नहीं लेनी मतलब कोई मसला नहीं है, क्योंकि अश्योरिटी नहीं है कि ओ लेवल्स में टेस्ट हुआ है होगा या नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ओ लेवल्स में नहीं है। ठीक है, ले लोगे तो खैर। जरा चलते हैं आगे आगे आ जाओ। हमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशंस y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 6 मार्क का कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ने इसकी गौर से सुननी है। देखो यहाँ पे होता क्या है, एग्जामिनर आपको एक देता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यानी एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। यार असल में जो पावर होती है ना ये हमें आंसर बताती है। जैसे अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस आपकी लीनियर होती ना तो आपके दो आंसर आने थे, एक आपका एक्स का आता एक आपका वाई का आता। लेकिन अगर इनमें से एक भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की हो गई ना, अब इसका मतलब है एक्स के दो आंसर आएंगे y के दो आंसर देंगे। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे y सब्जेक्ट बना हुआ है, x प्लस 1 है इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम y की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 1। तो जरा अब देखो गौर से सुनते हुए चलो, हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। हम क्या करेंगे, हम अच्छा मैं इसको लिखवा देता हूँ ताकि कोई बाद में अगर देखे तो उसको समझ आ जाए। सब एन वाई जो हमारी इजी एक्स प्लस 1 की वैल्यू है, इसको हम वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर लें अपनी क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू थी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे ना स्टॉप लगाते हैं, एक गलती डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वाई की जगह रखा है ना एक्स, एक यहाँ पे गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि हम ब्रैकेट का मिसयूज करते हैं और लिख देते हैं एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर लगाया, एक मैंने ये स्क्वायर लगाया, इन दोनों में फर्क क्या है, ये स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर एक्स पे भी है, ये स्क्वायर 1 पे भी है। ठीक है, जो आपका रूल है यानी आप कोई भी वैल्यू अगर इनपुट करते हो ना तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करते हो। लेकिन अगर ये काम करोगे, ये पता है क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सिर्फ 1 पे स्क्वायर है और ये आपका एक्स प्लस 1 के बराबर है, ये चीज टोटली गलत है। ठीक है, तो ये बड़ी गलती होती है, ये काम नहीं करना है यहाँ पे, हमने हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर सेकंड गलती क्या होती है, सेकंड गलती भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड गलती ये होती है, अब क्योंकि स्टूडेंट का क्वाड्रेटिक वीक होता है, वो क्या करता है, ये स्क्वायर इधर एक्स पे लगाएगा, ये स्क्वायर इधर 1 पे लगाएगा, क्या लिखेगा नीचे, वो नीचे लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देगा, 1 स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 1। ये क्यों, क्योंकि यार क्वाड्रेटिक्स हमें क्या कहता है, क्वाड्रेटिक्स हमें कहता है, मैं ये साइड पे रिवाइज करवा रहा हूँ तुम लोगों को, अगर आपकी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनके बाहर स्क्वायर लगा हो, ठीक है, हम उसको किस तरह खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर ये काम करोगे, लेकिन अगर आपकी दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर क्या करोगे, फिर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस 2ab के पीछे वाले साइन का फर्क क्या, अगर तो बीच में प्लस का साइन है तो हर जगह प्लस का साइन आएगा, अगर पीछे माइनस का साइन है तो 2ab के पीछे फिर माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते जो यहाँ पे किया हुआ हमने। ठीक है, ये बिल्कुल गलत काम। तो अगर हमारे पास ब्रैकेट है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जरा यहाँ देख लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो कैसे ओपन करोगे, देखो ये एक्स आपकी ए की वैल्यू है,
ये वन आपकी बी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह रखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह रखेंगे वन का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह वापस रखेंगे एक्स, बी की जगह वापस रखेंगे वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, फिर टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वन, ये आपका हो जाएगा 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन करना होता है। ये जो हमने लेफ्ट साइड पे काम किया रेड कलर से, ये बिल्कुल गलत काम है। ठीक है, और अच्छा ये जो भी मैंने वर्किंग साइड पे की है, तुम लोग वर्किंग साइड पे नहीं करोगे, तुम लोग वर्किंग इसी के नीचे करोगे। मुझे थोड़ा एक होता है कि मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करूँ, इस वजह से मैं ज्यादा वर्किंग वाले काम साइड पे कर देता हूँ। तो खैर इधर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने राइट साइड पे अभी चीज सॉल्व की है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और इज इक्वल टू 13, हमारा एज इट इज आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे है आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और फिर हम क्या करते हैं सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले आते हैं, यानी इधर प्लस 13 है ना, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 13 आपका हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे जरा फुल स्टॉप लगाते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। देखो हमेशा ना लाइकली टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइकली टर्म्स का क्या मतलब है, सेम वेरिएबल हो सेम पावर हो, सेम वेरिएबल अगर सेम पावर, अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है ना, इसका मतलब तुम दो वेरिएबल को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर था, ठीक है, वेरिएबल भी सेम है पावर भी सेम है। तो हमने जब इसको ऐड किया तो देखो इस एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं था तो वन था, इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं था तो वन था, तो ये वन प्लस वन क्या बन गया होगा, ये वन प्लस वन आपका बन गया होगा 2x स्क्वायर। और फिर इसी तरह 2x वाली कोई भी टर्म नहीं थी, हमने उसको ऐसे लिख दिया। फिर प्लस वन एक जगह पे था, प्लस 13 एक जगह पे था, इक्वेशंस के दो डिफरेंट साइड्स पे था, तो हमने 13 को इधर शिफ्ट करके माइनस का किया, और प्लस वन माइनस 13 आपका क्या होता है माइनस 12। ये आपका क्या बन गया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम कर सकते हो मिडिल टर्म देखें, ठीक है, या तुम यहाँ पे कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी तुम्हें इजी लगे ना उसकी तरफ जा सकते हो। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इस तरह के ज्यादातर सवाल में ना, ज्यादातर सवाल में आईजीसीएसई वालों के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही होती। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देखें तो यार पता है इसको ना और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ये मैंने अभी नोट किया, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो क्योंकि टू सब में आ रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे टू कॉमन ले लें इस इक्वेशन में तो आपका अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, और टू जब हमारा इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 2 से क्या बचेगा, हमारा 0 ही बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली आपकी इक्वेशन हम यूज करेंगे सिंप्लीफाइड वाली। हमेशा एक काम करना, अगर कुछ भी कॉमन दिखे ना, कॉमन लेके उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज देना, वो 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये अब हमारी इक्वेशन बनी है। अब चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो, चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। अच्छा मैं यहाँ पे दोनों नहीं कर रहा, ठीक है, ना यहाँ पे अभी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा रहा हूँ, क्योंकि हम इस चीजों को पहले बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हुए हैं, हमने पता नहीं 6-7 क्लासों में किया ये काम पूरा, बल्कि ज्यादा ही क्लासों में काम किया है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, तुम लोग को एक बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते कैसे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और अगर अब तुम नोट करो तो हमारी इक्वेशन ये आई थी, इसको ना कंपेयर करना होता है। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगाओगे, जब इक्वल टू का साइन लगा हुआ होगा और एक साइड पे आपका 0 आ रहा होगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 ना हो, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 ना हो। जैसे यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल टू 0 भी आ रहा है, इसका मतलब है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 1 ही होती है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू आई 1, ठीक है। एक्स के साथ वाली वैल्यू बी की होती है। यहाँ पे एक्स के साथ अगेन कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या नंबर होगा, अगेन 1 होगा, बी की वैल्यू आई 1, ठीक है। और लास्ट में विदाउट एक्स वाली जो टर्म होती है ना, वो सी की होती है। साइंस लास्ट में लेना, यहाँ पे पॉजिटिव 1 था, हमने पॉजिटिव 1 लिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 था, हमने बी की वैल्यू पॉजिटिव 1 ली है। लेकिन सी की वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ 6 नहीं होगी, सी की वैल्यू -6 होगी। तो सी की वैल्यू जो है वो -6 है। अब देखो तुम लोग सिंपली ये ए की, बी की और सी की वैल्यू को ना इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो तुम्हारे कुछ आंसर आ रहे होंगे, वो अभी मैं तुम लोग को कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 1 -6, तो देखो एक्स की एक वैल्यू आई है 2 और एक्स की एक वैल्यू आई है -3। एक्स की एक वैल्यू आई 2 और एक एक्स की एक वैल्यू आई -3। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वेरिएबल कौन कौन से थे हमारी इक्वेशन में, ऊपर आओ, वेरिएबल हमारे थे वाई और एक्स के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई है ना, हम इन दोनों एक्स की वैल्यूज को आसान वाली इक्वेशन में, यानी लीनियर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या थी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें हम पहले पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 2 और एक्स इज इक्वल टू 2 और फिर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन में वाई इज इक्वल टू 2 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 3। और दूसरी वाली में अगेन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है -3, -3 + 1 का आंसर आ जाएगा -2। तो ये आपकी दो वैल्यूज और आ गई। मैंने क्या बोला था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के साथ मिलेगी ना, तो 4 आंसर आते हैं। बेसिकली ये 4 आंसर निकालने के ही आपके 6 मार्क्स होते हैं, इतनी आसानी से 6 मार्क नहीं मिल जाते हैं मैथ्स में। तो ये चीज है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ बच्चों के सर के ऊपर से गुजरो, और सर के ऊपर से गुजरने की कुछ वजूहत हो सकती हैं, वो ये कि उनका क्वाड्रेटिक वीक है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में क्या क्या चीजें वीक हो सकती हैं, सबसे पहले आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग, मिडल टर्म ब्रेकिंग जो है वो अगर वीक है तो फिर ये सवाल नहीं समझ आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो वीक हो सकता है, ठीक है। अब देखो दोनों हमने पहले की हुई है, अगर किसी को रिवाइज करनी हो तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे अप्लाई किया जाता है, वहां से तुम लोग रिवाइज कर लो, कहीं फंसो मुझसे पूछ लेना। तो ये होता है उसमें, ठीक है। अभी हमारे पास 9 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ एक और क्वेश्चन देख लें छोटा सा, ऑल्दो ये बीच में रह जाएगा लेकिन इसको फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2y² + xy इज इक्वल टू 12 साइमल्टेनियसली। देखो एक इक्वेशन जो है ना आपकी, वो क्वाड्रेटिक की है क्योंकि वाई की हाईएस्ट पावर 2 है, और एक इक्वेशन आपकी क्या है, एक इक्वेशन आपकी लीनियर है। अब देखो तुम कौन सी इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट करोगे, ये कैसे डिसाइड करना होता है यार। यहाँ पे अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, y² भी है, y भी है, यानी y 2 दफा आ रहा है ना। अब देखो अगर तुम y को वो करोगे ना सब्सिट्यूट, तो फजूल की लंबी होगी, यानी पहले तुम इधर y को पुट करोगे, फिर इधर y को पुट करोगे, इसको तुम क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व करोगे, इधर ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इस इक्वेशन में एक्स बस एक दफा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको इस एक्स की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। आसान सा काम है, हमारी पहली इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 5, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2x को इधर ही छोड़ देते हैं, +3y को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर ये 2 इधर आके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करोगे, एक्स इज इक्वल टू 5 - 3y डिवाइडेड बाय 2। ये काम हो गया, एक्स सब्जेक्ट बन गए। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2y² + xy इज इक्वल टू 12। अब मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2y² + y और एक्स की वैल्यू है आपकी 5 - 3y/2 इज इक्वल टू 12।
अच्छा जी, अब एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, और वो ये कि बहुत बड़ी गलती होती है कि ये बच्चे जो करता है ये वाई को ऊपर भी सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम ऊपर वाली टर्म को सिर्फ ऊपर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म को सिर्फ नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वाई के नीचे अगर कुछ भी नहीं है ना, तो हमें पता है 1 होता है, तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाई ऊपर 5 -3 वाई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका बनेगा 2y² + 5y - 3y² इन दोनों के नीचे आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों के नीचे आपका 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इस 2 को अभी दूसरी साइड पे नहीं भेज सकते, ये ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि कल हमने से बात की थी, जब आपका एक फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब तक नहीं छेड़ सकते जब तक ये टर्म यहाँ से नहीं हट रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव 2y² को दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 5y - 3y² / 2 = 12 - 2y². ठीक है, अब यार ये 2 को दूसरी साइड पे भेज के इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 5y - 3y² = 2 × 12 - 2y². फिर सिंप्लीफाई करो इसको, 5y - 3y² 2 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा 24, और -2 × 2 ये हो जाएगा -4y². हमेशा क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले हो, तो ये जो 24 - 4y है ये इधर आके 4y² - 24 हो जाएगा, बेसिकली साइन फ्लिप हो जाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 4y² - 3y² + 5y - 24 = 0। देखो हमने क्या किया, ये -4y को दूसरी साइड पे लाया तो +4y² हो गया, ये -3y² को वैसे ही रहने दिया, फिर ये +5y को वैसे ही रहने दिया, और ये +24 इधर आके -24 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा y² + 5y - 24 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, कौन सी फॉर्म बनी है, ax² + bx + c = 0। आपकी x² के ऊपर x² वाली टर्म है, अच्छा ये x और y से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे तुम x और y को सेम ट्रीट कर सकते हो, सिर्फ हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर रहे होते हैं, x के ऊपर x वाली टर्म है और विदाउट x के ऊपर विदाउट x वाली टर्म है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, y² के साथ वाली वैल्यू, y² के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू क्या होगी, x के साथ वाली वैल्यू, y x के साथ क्या है, x के साथ ऊपर यानी y के साथ ऊपर क्या है, +5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी +5। और c की वैल्यू क्या होती है, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म, तो यहाँ पे विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है -24। a b और c की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, अब से फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा, वो आंसर अभी मैं कैलकुलेटर से निकाल लूँ 1 बारी। तो यहाँ पे x का एक आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 3, और x का एक आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -8। देखो दो आंसर आ गए, दो आंसर पे कहानी खत्म नहीं होती है, किसमें, क्वाड्रेटिक वाले साइमल्टेनियस के काम। क्यों? क्योंकि देखो अभी सिर्फ एक वेरिएबल की दो वैल्यूज आई, वेरिएबल तो दो थे ना, एक एक्स था एक वाई था। अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन को लेंगे कोई भी जो कि आसान है, तो मैं यहाँ पे पिक करूँ 2x + 3y = 5, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ 2x + 3y = 5 को, और इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन जो कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 2x + 3y = 5। अच्छा यहाँ पे x की एक वैल्यू 3 आई थी, x की एक वैल्यू 8 आई थी, इन दोनों को सॉल्व करने हैं, तो x की वैल्यू को हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3y = 5। 2 3 कितना होता है, 6, तो 6 + 3y = 5। ये 6 को दूसरी साइड पे भेज के क्या करेंगे हम, 5 के साथ सब्ट्रैक्ट, तो 3y = 5 - 6, तो 3y = 5 - 6 का आंसर आएगा -1, और y को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा y = -1/3। ये y की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है, पहली वैल्यू ये आ गई, और
और दूसरी वैल्यू के लिए अब हम क्या पुट करेंगे, एक्स को 8 पुट करेंगे, तो मैं नीचे करवा रहा हूँ उसको जगह कम लिखेंगे। ये इधर आ गई एक्स की वैल्यू 8। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x+3y इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × -8 + 3y इज इक्वल टू 5। -8 × 2 -16 होगा, -16 + 3y इज इक्वल टू 5, -16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 5 + 16, तो 3y इज इक्वल टू 5 + 16 कितना होता है, 21 होता है, और 3 पे जाके 21 से डिवाइड करोगे तो 21/3, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7 का, ठीक है।